नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से ऑप्शन लर्निंग ट्रेडिंग के एक और नए पार्ट में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा ओटीएम, एटीएम, आईटीएम ये क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों ऐसी टर्म्स आती है आपके सामने जो कि आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अभी हमारे चैनल के ऊपर 60 दिन की ट्रेडिंग यहाँ पे चालू है, जिसमें दोस्तों मैं आप सभी को फ्री में एकदम शुरू से लाइव ट्रेडिंग यहाँ पे करना सिखा रहा हूँ। अगर आपको भी दोस्तों यहाँ पे फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे सीखनी है तो दोस्तों उसका मैं एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके इस प्लेलिस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आप सभी को ये जो पूरा प्रोसेस है वो एंजेलोन के ऊपर सिखाऊंगा। अगर अभी तक आपने एंजेलोन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक भी दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले लिंक आपको मिलेगी, वहां पे जाके दोस्तों आप पहले डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। जो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसको आप टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने शो होगा, जो कि दोस्तों एंजेलोन का आपके सामने इंटरफेस आ रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सामने बहुत सारे तरीके के इंटरफेस सामने शो हो रहे हैं। वैसे दोस्तों इस पूरे के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को ऐसे स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे जाओगे तो दोस्तों बहुत सारी आपको ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी जो कि दोस्तों आपको एंजल वन को बताती हैं। मैंने इसमें दोस्तों आपको बिल्कुल अकाउंट ओपन से लेकर के और इसको इसमें बिल्कुल ट्रेड लेने तक पूरा प्रोसेस आपको समझा रखा है। तो दोस्तों मेक श्योर आप वो वाली वीडियोस जरूर से चेक कर लेना। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो अगर आप इसमें से किसी में भी लगा रहे हो, जैसे कि निफ्टी में चेक करना चाहते हो, बैंक निफ्टी में चेक करना चाहते हो, या तो दोस्तों आप यहाँ पे फिन निफ्टी में चेक करना चाहते हो, सेंसेक्स में चेक करना चाहते हो, ये पूरा का पूरा प्रोसेस दोस्तों सबके लिए एक ही रहने वाला है। तो इसमें दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ताकि आसानी रहे तो निफ्टी 50 में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही आप निफ्टी 50 के ऊपर यहाँ पे ऐसे टैप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे सामने शो होगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है ना ऑप्शन चेन, इसके ऊपर दोस्तों आपको डायरेक्टली यहाँ पे टैप करना है एक बार। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे एक बार टैप करेंगे, अब इससे पहले की जो मेरी वीडियोज़ हैं उसमें दोस्तों मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसेस ये सब समझा रखा है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा, इतने आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि अगर आप 4th क्लास में भी हैं तो भी दोस्तों आपको बहुत आसान तरीके से आ जाए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू करते हैं और दोस्तों मेन वीडियो हमारी यहीं से शुरू होती है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये ITM क्या होता है, ये ITM क्या होता है, ठीक है भाई, और ये हमारा ATM क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा ये OTM क्या होता है। आपने बहुत बार ये सब टर्म सुनी होंगी अगर आप यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो, आपने दोस्तों काफ़ी बार ये सब ट्रेडिंग के यहाँ पे नाम सुने होंगे, टर्म सुने होंगे। अब दोस्तों देखो जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 पे टैप करके यहाँ पे फुलवाया तो दोस्तों ये निफ्टी 50 का चार्ट है आपके सामने। अब मेरी बात दोस्तों आप बहुत ध्यान से रखना, अब जब दोस्तों आपको पता है अगर आप मार्केट में ऊपर वाले स्थान पे, यानी कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो अगर आप वहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो उसको दोस्तों आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों आप यहाँ पे कॉल ट्रेड लेना, यानी कि आप दोस्तों यहाँ पे कॉल की ट्रेड ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अभी आपका ऊपर जाने की कगार पर है, जैसे मार्केट ऊपर जाएगा आपका वहाँ पर फ़ायदा होगा, ठीक है, सेम आप यहाँ पर समझ गए। और इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर पुट कब खरीदते हैं, पुट खरीदते हैं दोस्तों आप जब मार्केट हमारा दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है भाई, इतना तो आपको क्लियर है, ये तो आपको पता ही है। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक बात गौर करना कि जैसे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है, देखो मैं इसको एक बार स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो दोस्तों देखो आपके सामने ये दो तरीके के ऐसे चार्ट बन के आ रहे हैं। एक है दोस्तों ये पीला कैटेगरी वाला चार्ट, एक है दोस्तों ये आपका सफ़ेद वाला कैटेगरी वाला चार्ट। सो दोस्तों ध्यान रखना, अगर दोस्तों आप यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड ले रहे हैं तो इसका मतलब दोस्तों ये जो आपको पीला दिखाई दे रहा है ना, पीला जितना भी पीला है, जहाँ तक भी ये पीला जाएगा, जहाँ तक भी जा रहा है पीला, तो दोस्तों इसको समझेंगे हम, इसको हम बोलेंगे हम ITM, यानी कि इन द मनी क्यों बोलेंगे और ये सब क्यों बोलेंगे ये अभी दोस्तों आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। पहले बस आप यहाँ पर समझ लो कि इसको इन द मनी बोला जाता है, यानी कि इसको ITM बोला जाता है, ठीक है, आप इतना तो समझ गए। अब दोस्तों जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो दोस्तों आपको ना ये एक छोटी सी दीवार यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ठीक है, एक छोटी सी दीवार नज़र आ रही होगी जहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट बिल्डअप, और आपके सामने ये एक फिगर बन के आ रहा है 24,055.60 पॉइंट्स का, ठीक है। तो इसको दोस्तों आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप ATM। अब क्यों बोलते हैं, क्या नहीं है, इसका पूरा फंडा दोस्तों अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बस आप एक बार इसको समझ लो कि इसको यही बोला जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आप क्या करोगे, ये जो नीचे आओगे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, ये जो आपको सफ़ेद वाला पार्ट दिख रहा है, जो सफ़ेद वाला पार्ट दिख रहा है, जितना भी आप नीचे जाओगे, जितना भी आप स्क्रॉल डाउन करोगे, ये आपको सफ़ेद वाला पार्ट दिखता जाएगा, ठीक है, सफ़ेद वाला पार्ट आपको दिखता जाएगा। जितना भी दोस्तों ये सफ़ेद वाला पार्ट है,
इसको आप क्या बोलते हो, ओ टी एम, यानी कि आउट ऑफ द मनी। अब मैं दोस्तों आपको ATM, ITM और OTM एक एक करके बारीकी से समझाता हूँ। देखो दोस्तों, हमारा मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है, मार्केट दोस्तों हमारा अभी फ़िलहाल इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है। अब ये स्ट्राइक प्राइस ये सब क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में आसानी से समझा रखा है, तो दोस्तों आप वो आराम से सुन लेना। तो दोस्तों ये जो है हमारा ये ATM का मतलब दोस्तों ये होता है कि मार्केट एट द टाइम कहाँ पे प्रेजेंट रख रही है, कहाँ पे है इस वक्त मार्केट। तो दोस्तों मार्केट इस वक्त कहाँ पे है, इस वक्त है दोस्तों मार्केट हमारी 24,055 पे। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे समझ नहीं आता तो दोस्तों देखो आप निफ्टी की ये वाली वैल्यू देखो, निफ्टी की ये वाली वैल्यू कौन सी है, 24,055.60। इसमें भी कौन सा नज़र आ रहा है, 24,055.60। तो उसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ATM का मतलब ये होता है कि मार्केट एट द टाइम कहाँ पे प्रेजेंस रख रही है, अभी अभी मार्केट कौन से पॉइंट पे चल रही है, ठीक है। इसी का मतलब होता है दोस्तों ATM, ठीक है। ये जो दीवार है ये आपका ATM कहलाता है। अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो पीला पीला सा है, इवन दो दोस्तों अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो दोस्तों पूरा आपको पीला पीला दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, देखो मार्केट अभी कहाँ है, मार्केट दोस्तों ये है ना, ये जो आपको डंडी से दिखाई दे रही है या फिर यहाँ ये जो दीवार है, ये जो हमारा ATM है, ATM के ऊपर वाली चीज़ को दोस्तों हम बोलते हैं इन द मनी, यानी कि दोस्तों क्या हो गया ये ITM, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारा ITM। ITM क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि देखो मार्केट ये जो है अभी एट द मनी पे चल रहा है, इसके अंदर ये तो इसके अंदर ही हो गया ना एक तरीके से, ये जो है मार्केट इसके अंदर ही तो हो गया एक तरीके से। तो दोस्तों इसके अंदर है तो उसका मतलब ये हो गया कि इन द मनी, यानी कि इन द मनी, ठीक है दोस्तों। इसको आप बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत ध्यान से यहाँ पे आप रखना। अब दोस्तों आप बात करते हैं ये जो है मार्केट नीचे वाला है, अब क्योंकि दोस्तों मार्केट तो अभी नीचे वाला है, ठीक है, बहुत दूर है, हमें कुछ पता नहीं है उसके बारे में। तो दोस्तों वो बिल्कुल क्या है, बहुत दूर, दूर मतलब वो आउट हो गया अभी मार्केट में, वो हमें पता नहीं है क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। तो दोस्तों इस चीज़ को हम आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको कॉल साइड वाले ट्रेड के बारे में बताया कि इन द मनी क्या होता है और एट द मनी क्या होता है और आपका आउट द मनी क्या होता है। सेम दोस्तों ये आपका पुट वाले हाल में भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई देखो ये तो हो गया हमारा कॉल साइड वाले ट्रेड, ये हो गया आपका स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, और ये हो गया दोस्तों आपका एट द मनी, ये हो गया आपका इन द मनी इधर वाला सेक्शन, ये हो गया आपका आउट ऑफ द मनी। लेकिन किसके लिए, ये सिर्फ होता हमारा कॉल साइड के लिए। अब अपना बचा है यहाँ पे कौन सा, ये वाला बचा है, अभी कौन सा बचा है, ये वाला, कौन सा है, ये पुट वाला। अब पुट वाले को समझते हैं। देखो दोस्तों जो पुट है आपका, ये वाला जो पुट है, इसमें चीज़ें इसके अनुसार उल्टी जाती हैं। जहाँ पे भी दोस्तों ये आपका पीला पीला दिखाई दे रहा है इस चीज़ में, इसको आप बोलोगे इन द मनी, क्योंकि दोस्तों देखो मार्केट जो है आप ऐसे वाली डायरेक्शन में लगाते हो ना उसमें पैसा, ऐसे वाली डायरेक्शन में लगाते हो पैसा। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगी, तो जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रही है आपको यहाँ पे बेनिफिट होएगा, आपका यहाँ पे पैसा बनेगा, आपका यहाँ पे रुपया बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों मार्केट नीचे आएगी तो आपको फ़ायदा होगा। तो इसी चक्कर में दोस्तों ऑप्शन चेन में हम इसको नीचे वाले पार्ट में भी देखते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले पार्ट में देखेंगे दोस्तों तो आपको जो पीला पीला है, ये पीला पीला जहाँ तक भी नज़र जाएगी, जहाँ तक भी नज़र जाएगी, जो पीला पीला है इधर वाले पार्ट में, जहाँ तक भी नज़र आएगी जो पीला पीला है, ये आपका दोस्तों इन द मनी होएगा, यानी के ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इन द मनी, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके लिए दोस्तों ये जो एट द मनी है, ये एट द मनी इसी के लिए भी एट द मनी ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि भाई निफ्टी अभी तो इस पे चल रही है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों एट द मनी तो दोनों के लिए सेम ही रहता है, ठीक है, कॉल साइड के लिए भी और अपना पुट साइड के लिए भी। लेकिन इसके लिए आपका जो है इन द मनी ये हो जाता है, एट द मनी तो ये है, और बचा क्या हमारा दोस्तों, फाइनल हमारा बचता है यहाँ पे आउट ऑफ द मनी, यानी कि दोस्तों OTM। इसमें यह है कि आपका जो मार्केट है अभी ये ऊपर ऊपर जा रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अभी मार्केट हमें पता नहीं है कि मार्केट इसको अचीव करेगा या फिर नहीं करेगा, यानी कि अभी मार्केट से बहुत दूर है, डायरेक्शन से उसकी बहुत ज़्यादा दूर है। जो आप मेरी पहले वाली वीडियो देखोगे, इससे जो पुराने वाला पार्ट है, इसका जो पहले वाला पार्ट है, उसमें दोस्तों मैंने आपको ये भी समझा रखा है ये क्या होता है, OI से आप किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये भी मैंने आपको दोस्तों उसमें बता रखा है। तो मेक श्योर दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे रिकमेंड भी करता हूँ, एक बार आप ना उस वाले
पार्ट को जरूर से देख लेना। जैसे दोस्तों आप मेरे चैनल पे आओगे ना, तो ये दोस्तों आप ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो अभी अभी मैंने डाला था 21 घंटे वेज वाले पार्ट को डले हुए, ये जो ऐसे वाला आपको थंबनेल नज़र आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे प्लेलिस्ट भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं मेरी दोस्तों, ये मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें अभी तक मैंने यहाँ पे 5 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप इन सारे के सारे पार्ट को आराम से जाके देख सकते। सो होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप पसंद आई है तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर देना, और एंजल वन एप्लीकेशन का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा, अगर दोस्तों आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।